नमस्कार दोस्तों, मैं पावन सर आज फिर एक वेक्टर का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, स्वतः अदिश गुणन। स्वतः अदिश गुणन क्या होता है? किसी भी सदिश का स्वयं के साथ, स्वयं मानी अपने आप के साथ, किसी भी सदिश का स्वयं के साथ अदिश गुणन क्या कहलाता है? स्वतः अदिश गुणन कहलाता है। जैसे वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ ही स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ध्यान से देखिए, आपको फार्मूला बताया गया है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अगर ए के स्थान पर ए लिखे तो कोई बात नहीं, ए रह जाएगा, लेकिन जब बी के स्थान पर भी ए ही आ जाए, बी के स्थान पर भी ए ही आ जाए, इसका लिखेंगे ए इंटू ए इंटू कॉस थीटा। थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण होता है, जबकि वेक्टर ए ही है। किसी भी सदिश का स्वयं के साथ जो कोण होता है वो होता है जीरो अंश। कॉस जीरो अंश का मान कितना होता है? एक होता है। एक गुणा करेंगे ए में तो ए हो जाएगा, ए ए में ए का गुणा होता है ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ए डॉट ए क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो मैंने लिख लिया वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको बताया गया किसी भी सदिश के परिमाण को, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर ए के परिमाण को हम या तो ए लिखेंगे या तो मॉड वेक्टर ए भी लिख सकते हैं बहुत सार से। इसी प्रकार ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए का और स्क्वायर। इस तरह से इसको बोलते हैं स्वतः अदिश गुणन। तो किसी भी सदिश का स्वयं के साथ भी गुणन हो सकता है, आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। इस बहुत लाजवाब प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल हम सवालों को लगाने में करते हैं। आइए भी इसको समझे होंगे, अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ शेयर भी करें। ठीक है, जय हिंद।